राबड़ी देवी अनपढ़ थी, लालू यादव उनको कख ख पढ़ा के नाम लिया। लालू यादव 1995 में रेल मंत्री में गए थे, 2002 ईस्वी से हम गायकी में है। आज से 22 मैच खेल रहे हो जी, सभी लोग क्या देख रहा हूँ कि मारपीट में लगे हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि सबसे कुछ और बुढ़ा सिंह व्यास बक्सर जी, और वैशाली क्योंकि बलेट से करेजा पे मौजूद हैं। वैशाली जिले के एक धरोहर के साथ जिनका नाम है मुकेश लोथा, उनका गाना तो आप लोग सुने ही होंगे, तोरे नम्मा लिखा हलियो काट के करेजवा पर जान, जो काफ़ी वायरल हुआ था, काफ़ी ट्रेंडिंग था। तो आइए उनसे कुछ बातचीत करते हैं। तो मुकेश जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। स्वागत है आप लोग के, नमस्कार सब लोग जितने लोग आए हुए हैं चैनल के माध्यम से सुनने के लिए, सभी लोग के मेरे तरफ से हार्दिक नमस्कार। जय भोजपुरी, जय समाज। मैं यही आग्रह करता हूं आप सब खुशमय रहें जी। क्या वो बलेटवा के बारे में क्या पूछना चाहते हैं बोलिए। जैसे सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप गायकी के क्षेत्र में कब से हैं। तो गायकी के क्षेत्र में जिस समय राबड़ी देवी अनपढ़ थी, लालू यादव उनको कख ख पढ़ा के नाम लिख के मुख्यमंत्री बनाए थे, और लालू यादव 1995 में रेल मंत्री में गए थे, उस समय से हम गायकी में, यानी 2002 ईस्वी से हम गायकी में हैं। आज से 22 साल पहले से हम गायकी में। अच्छा, विशेष और कुछ पूछ सकते हैं जी? मतलब लगभग 22 साल से आप गायकी के क्षेत्र में सक्रिय हैं और कई सारे गीत आपके वायरल भी हो जाते हैं, तो जैसे वो जो गीत आया था तोरे नम्मा लिखा लियो काट के, उसके बाद कोई ऐसा ट्रेंडिंग सॉन्ग आपका आया नहीं जो कि वायरल हो पाया, तो ऐसा क्यों? मतलब आप गा नहीं रहे हैं या क्या कारण है जो अब तक कोई ऐसा गीत नहीं आया? कारण यही है कि मूल इस पे निगाह हमें नहीं रहता जी। निगाह नहीं रहने के कारण कि सभी लोग के देख रहे हैं कि तुम मैचे खेल रहे हो। अच्छा, सभी के लोग के देख रहे हैं तू गालिया गलौज में लगे हो जी, सभी लोग के देख रहा हूँ कि मारपीट में लगे हो, नशा में लगे हो, झगड़ा में लगे हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि सबसे कुछ मैं अलग रहूँ। बिल्कुल, साल भर पहले ये गाना मेरा रिलीज हुआ था, साल भर 3 दिसंबर 2022 को ये गाना है मंच पे रिलीज हुआ था, मंजय मसीहा ब्यास के बरात के दिन, जो तिनगोला प्रोग्राम था, अजीत हलचल और बुढ़ा सिंह ब्यास बक्सर और वैशाली का मुकेश लोथा, एक ब्यास नहीं आया उसमें अजीत हलचल जी। तो मेरा बुढ़ा ब्यास का दुगोला हुआ उसमें, ये गाना हिट हुआ जी। ये गाना हिट हुआ, ये गाना के चक्कर में मैंने बहुत चीज़ सोचा, बहुत चीज़ इतना सोचा कि मैंने जितना सोचना नहीं चाहिए सोचा कि तोहरे नवा लिखो लिए काट के बलेडवा से करजबा में गे जान जी। तो लोग के दिल पे लगा, बिल्कुल दिल पे लगा, क्योंकि बलेट से करजा पे नाम लिखा जा सकता है, ये हकीकत है, लोग के अच्छा लगा जी। और 2024 से आने वाली है जी। 2024 22 फरवरी को जी, यानी 22/2/2022 को आपको ऐसा गाना मिलेगा जो बलेडवा को गोली मारने वाला मिलेगा। अच्छा, मतलब एक बार फिर से आप 22 फरवरी को अपने गायकी से लोगों को चौंकाने वाले हैं, फिर से कुछ नया धमाकेदार करने वाले हैं एकदम, क्योंकि 23 में तुम प्यार की जी, जनवरी से शुरू की जी, फरवरी में आई जी, मार्च में भी रही जी, अप्रैल में कुछ मैंने बोला तू इनकार कर दी जी, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर बिता दिया जी, दिसंबर में तुम इंडिकेट की कि ठीक है हम हैं, अच्छा आप जिंदा रहिए, इसलिए मैं जिंदा हूँ, ये ही टाइप के गाना आपको आएगा कि 24 में मैं जिंदा रहूँगा या नहीं रहूँगा, यही आपका प्यार मोहब्बत का गाना आएगा जी, निश्चित आएगा। 22/2/2022 का इसका गाना रिकॉर्डिंग होगा जी, अब जय दिन बाद आप लोग के सुनने को मिल जाए जी, आप लोग के देखने को मिल जाए जी, धन्यवाद। और एक और सवाल आपसे हम पूछना चाहेंगे, जैसे आए दिन भोजपुरी में तो आप सुनते ही होंगे बहुत अश्लीलता लोग फैला रहे हैं भोजपुरी गायक लोग, तो उस विषय में आपका क्या विचार है, क्या राय देना चाहेंगे आप? कोई ब्यास अश्लीलता फैलाते नहीं है, ब्यास की बाप की क्या औकात है कि अश्लीलता फैला देगा जी। मैं भी कहता हूँ जल्दी गवना करा ले राजा जी, न तो ऐसा बुझाता कि खून हो जाए जी, ऐसा बुझाता खून हो जाए, माने में जवानी बर्दाश्त नहीं हो रहा है जी। जल्दी गौना कराल राजा जी, न तो ऐसा बुझाता कि खून हो जाए, जमानी जमाना से डरतिया तोरे याद में बेमौत के मरतिया, जमानी जमाना से डरतिया तोरे याद में बेमौत के मरतिया, बात बुझ लो बुझाता घर सुन हो जाए, माने मर जाएंगे हम जी।
बात बुझ ल बुझाता घर सुन हो जाई, हमारा ऐसा बुझाता कि अब खून हो जाई, जल्दी गौना करा ले राजा जी ना तो ऐसा बुझाता कि खून हो जाई। अब लड़का न बानी सयान हो गई नी, साँच बात कहतानी हम जवान हो गई नी। अब लड़का न बानी सयान हो गई नी, साँच बात कहतानी जवान हो गई नी, तोहर मिसरी के ढेला दोनों नून हो जाई, हमारा ऐसा बुझाता कि खून हो जाई। बहुत बहुत धन्यवाद।